डियर गाइज, यू आर वेलकम टू लुलू लर्निंग। मैं हूँ अंजुम सर। बेटा, आज तुम पढ़ने वाले हो ट्रिग्नोमेट्री, जो क्लास टेंथ का चैप्टर है जिसका ये सबसे पहला लेक्चर है। बेटा, आज तक तुमने कभी भी ट्रिग्नोमेट्री प्रीवियस जितनी भी क्लास पढ़े हो, नाइन्थ तक कभी भी ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें नहीं मिला है। ये सबसे पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हो, इसीलिए इसमें तुम नई नई चीज़ों को सीखोगे और नए नए चीज़ों को सीख कर करके आगे जितने भी एक्सरसाइज हैं उन सारे एक्सरसाइज को करने वाले हो। तो इसीलिए हमारे साथ बने रहो और गहराई से हमारे कॉन्सेप्ट को सीखो। मेरे ये क्लास करने का तुम्हें तभी फ़ायदा होने वाला है जब तुम हमारे इस थ्योरीज़ को पढ़ोगे और इसका नोट्स अपने पेन और पेपर लेकर के बनाओगे, फिर बार बार रिवाइज करोगे, फिर NCERTs की जो भी एक्सरसाइज होंगी उस एक्सरसाइज को करोगे, फिर एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हारे अंदर सारी की सारी कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे और तुम अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा करने वाले होगे। तो चलो हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पे ट्राई है बेटा। अब इस ट्राई का मीनिंग होता है क्या है? तो ट्राई का मीनिंग तुम्हें पता है कि थ्री होते हैं, ट्राई कलर्स तुम्हें पता है ना, जहाँ थ्री कलर्स होते हैं, तिरंगा। अच्छा, ये जो GNO है ये एक वर्ड से बना है और उस वर्ड का जो नेम है वो है बेटा गॉन, ठीक है। और इस गॉन का मीनिंग होता है साइड्स एंड एंगल्स, ठीक है। दोनों को कंबाइन कर करके हम लोग गॉन कहते हैं। तो अब ये साइड्स एंड एंगल्स गॉन का मीनिंग हो गया। ये जो वर्ड है मेट्री, एक वर्ड से बना है जिसका नाम होता है मेट्रॉन, ठीक है। अब इस मेट्रॉन की मीनिंग क्या होती? तो मेट्रॉन की मीनिंग होती है बेटा मेजरमेंट, मेजरमेंट, ठीक है। अब इस मेजरमेंट का मीनिंग होता है मापना, ठीक है। यानी जहां थ्री साइड्स एंड एंगल्स के मेजरमेंट की तुम बात कर रहे होगे वो होगा ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा मैथमेटिक्स का ब्रांच जहाँ थ्री साइड्स एंड एंगल्स के रिलेशंस को हम लोग पढ़ रहे होंगे उसे हम लोग बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ से तुम बेटा डेफिनेशन लिख सकते हो और डेफिनेशन में ये कह सकते हो कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है in which we study about the relation between sides and angles। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा मैथमेटिक्स का ब्रांच जहां हम साइड्स और रिलेशंस के, साइड्स एंड एंगल्स के रिलेशंस को पढ़ रहे होंगे वो कहलाएगा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो बेटा ध्यान देना, थ्री साइड्स एंड एंगल्स के रिलेशन को पढ़ना है तो कौन ऐसा ज्योमेट्रिकल प्लेन फिगर है जहाँ थ्री साइड्स एंड एंगल्स होते हैं? तो आपके दिमाग में आएगा बेटा ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल ही एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है जहाँ थ्री एंड एंगल्स और साइड्स के बारे में बात की जाती है। तो चलो भाई, यहाँ पे थ्री साइड्स कौन कौन से हैं और थ्री एंगल्स कौन कौन से हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। अगर चाहिए ए बी सी है बेटा, तो ए बी सी में आप ये कह सकते हो कि थ्री साइड्स हैं यहाँ पे। अब वो थ्री साइड्स कौन कौन से हैं? तो एक साइड ए बी हो गया, ये वाली साइड ए बी कहोगे, दूसरी साइड ये वाली बी सी हो गई, ठीक है। उसी तरीके से ये तीसरी साइड ये ए सी हो गई। एग्जैक्टली, तुम्हें साइड के बारे में अंदाज लग गया। अच्छा, अब हम एंगल्स किसे बोलेंगे? तो एक एंगल ये रहा, दूसरा एंगल ये रहा और तीसरा एंगल ये रहा। जितनी सारी साइड्स होती हैं उतनी सारी एंगल्स होती है, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे एक एंगल ए रहा, यहाँ जो थ्री एंगल्स आप लिखने वाले हो वो थ्री एंगल्स में कौन होगा? तो एक एंगल ए, दूसरा एंगल बी और तीसरा एंगल सी। अब आपके दिमाग में एक बात चली कि बेटा कि ट्रायंगल्स तो कई सारे तरह के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं ट्रायंगल के, अब ट्रिग्नोमेट्री में मुझे कौन से ट्रायंगल के बारे में स्टडी करना है? तो बस केवल और केवल आपके जो पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री को एक साथ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही ला करके रख दिया गया है। यानी कि जहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स एंड रिलेशंस को आप पढ़ोगे वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो चलो भाई, हम यहाँ पे देखते हैं कि अगरचे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हम लिख देते हैं राइट एंगल्ड
ट्रायंगल। तो तुम्हें क्या पता चला कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा मैथमेटिक्स का ब्रांच है जहां हम साइड्स एंड एंगल्स के रिलेशंस को पढ़ते हैं, लेकिन किसके साइड्स एंड रिलेशन को? तो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स एंड रिलेशंस को। ठीक है, तो अब अगर चाहिए आप राइट एंगल कहते हो बेटा, तो राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ है कि एक एंगल तो बेटा राइट होगा, राइट बोले तो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा एग्जैक्टली। और बाकी जो ये बचे दो एंगल्स हैं, इस दोनों एंगल्स के बारे में ये है कि आपको 90 डिग्री से ये कम होगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं अक्यूट एंगल्स। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से लेस देन हो, इसकी जो वैल्यू है लेस देन 90 डिग्री होगी, तो 90 डिग्री से कम वाले एंगल्स को हम लोग अक्यूट एंगल बोलेंगे। तो ये वाला भी एंगल अक्यूट होगा बेटा, और ये वाला भी एंगल आपका अक्यूट होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास एक एंगल 90 डिग्री का होगा, एग्जैक्टली वन एंगल इज 90 डिग्री, है ना? ठीक है, और जो बाकी दो एंगल हैं वो आपके अक्यूट एंगल होंगे, यानी कि टू एंगल्स आर अक्यूट एंगल। ठीक है, अक्यूट एंगल, दो एंगल अक्यूट होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कहीं भी आपको राइट एंगल दिखेगा आपके दिमाग में एक पिक्चर बनना चाहिए कि अच्छा एक एंगल तो 90 डिग्री होगा, अब बाकी जो दो बचे एंगल हैं वो लेस देन 90 होंगे। अक्यूट कहने का मतलब क्या हो गया बेटा कि लेस देन 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से कम एंगल की वैल्यूज होंगे, ये लेस देन की साइन है बेटा। तो आपको इतना चीज समझ में आ गया है। अब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ और चीजों को समझना है बाबू। ठीक है, उन चीजों को इस तरीके से समझो कि अगर चाहे ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके थ्री साइड्स हैं। अब वो थ्री साइड्स कौन कौन से हैं? तो एक साइड ये रहा, दूसरा साइड ये रहा और तीसरा साइड ये रहा। तो इन तीनों साइड के कुछ खास नाम बताए गए हैं। तो उसमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सा होगा? तो 90 डिग्री के ठीक जो फ्रंट में होगा, जो सामने होगा, जो अपोजिट भी कह सकते हो, जो साइड होगी वो साइड आपकी लॉन्गेस्ट साइड कहलाएगी। तो आप लॉन्गेस्ट साइड को एक स्पेशल नाम से जानते हो, जिसे कहते हो हाइपोटेनस। बेटा इसकी स्पेलिंग याद रखना, हाइपोटेन्यूस लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा जाएगा हाइपोटेनस। इसको आप स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हो, एग्जैक्टली। ठीक उसी तरीके से जो आप नीचे वाला साइड होता है, आप पहले प्रीवियस क्लास से ये जानते आए हो कि जो नीचे साइड्स होती है उसे हम लोग कहते हैं बेस, एग्जैक्टली। आप उसे क्या कहते हो कि बी से लिखते हो, स्मॉल बी से लिखते हो। फिर जो आपकी ये वाली साइड है, ये बेटा आपकी कहलाती है परपेंडिक्यूलर, परपेंडिक्यूलर। ठीक है, परपेंडिक्यूलर। अब इस परपेंडिक्यूलर को बेटा आप स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड हो गया, नीचे वाले को हम लोग बेस कहेंगे, इसको हम लोग परपेंडिक्यूलर कहेंगे। तो एग्जैक्टली मैं एक छोटा सा फिगर बना करके भी यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ कि अगर चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, ठीक है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगी, बाकी ये दोनों अक्यूट होगा। 90 के जो अपोजिट साइड होगा उसको बोलोगे हाइपोटेनस, जो नीचे वाली साइड होगी वो हो जाएगी बेटा बेस, और जो ये वाली साइड है ये आपकी कहलाएगी परपेंडिक्यूलर। तो यहाँ तक की कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर है। अच्छा, अब आपको एक बात यहाँ पे नहीं सीखने की ज़रूरत ये है कि ये जो परपेंडिकुलर और बेस है ये आपस में चेंज होता रहता है। अभी तक तो आप ये जानते हो कि नीचे वाले को बेस बोलेंगे, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। बट आगे इस केस में देखो, यहाँ पे देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो अपोजिट वाला साइड है वो बेटा कहलाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, और उसके बाद ये जो आपका नीचे वाला साइड है ये आपके हिसाब से तो होना चाहिए बेस, और ये होना चाहिए बेटा आपके हिसाब से परपेंडिकुलर। लेकिन ये परपेंडिकुलर और बेस आपस में बदलता रहता है, कभी कभी देखना कि ये बेस आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगा और कभी कभी ये परपेंडिकुलर आपस में बेस हो जाएगा। तो अब कब ये आपस में चेंज करेगा, कैसे मैं जानूंगा कि ये बेस है कि परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है या बेस है? इसका एक तरीका है बेटा। ठीक है, और वो तरीका क्या है तो चलो हम उसको समझाने वाले हैं। तो चलो मान लिया कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम एक और राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, फिर आपको वहाँ से अच्छे से क्लैरिटी दे करके समझाते हैं। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल मान लो,
अगर है तो इसमें एक बात ये है कि ये तो 90 डिग्री पक्के तौर पे हो जाएगा, ये फ्रंट वाला हाइपोटेनस ये कभी चेंज नहीं होगा, ये सामने वाला अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस ही होने वाला है, ठीक है। अब अगरचे तुम इस वाले एंगल की बात करते हो, इस एंगल के लिए सामने वाला जो फ्रंट वाला साइड है, जो फ्रंट वाला साइड होगा वो कहलाएगा बेटा परपेंडिकुलर, और जो बेस वाला यानी कि नीचे वाला लोअर यानी बगल वाला जो साइड है वो कहलाएगा बेटा बेस। क्या कॉन्सेप्ट कहता है कि आप किस एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाली एंगल की बात कर रहे हैं या ये वाली एंगल की बात कर रहे हैं। आप जिस एंगल की बात कीजिए, अगर आप इस एंगल की बात कर रहे हैं तो फ्रंट वाला जो है वो परपेंडिकुलर कहलाएगा और बगल वाला बेस कहलाएगा। देखो ना, इसके इस एंगल के बगल में है तो ये बेस कहलाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो एग्जैक्टली अगर मैं इसको ऐसे कर करके लिख दूँ और मैं आपसे पूछूं कि ये वर्टेक्स ए है, ये बी है और ये सी है, और आप मुझे अब बताओ कि फॉर एंगल बी, यहाँ मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि फॉर एंगल बी, बी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, बी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा बेटा, तो बी के लिए परपेंडिकुलर फ्रंट वाला होगा। तो फ्रंट वाले के लिए हमने ये कर दिया कि ए सी, यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर ए सी हो जाएगा। बी के लिए बेस कौन सा होगा बेटा, तो बगल वाला बेस हो जाएगा, तो बेस के जगह पर हम लिख सकते हैं ए बी, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल में अगर बी एंगल की बात की जाए तो इसका परपेंडिकुलर ये वाली साइड हो जाएगी और बेस ये वाली साइड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आगे मैं लिख देता हूँ, तुम इसको ध्यान में रखोगे कि अगरचे फ्रंट वाले साइड की बात की जाए, फ्रंट साइड ऑफ एंगल्स, ठीक है, एंगल के अगर फ्रंट साइड की बात की जाए तो जो फ्रंट वाली साइड होगी बेटा वो कहलाएगी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। और अगरचे मैं फ्रंट वाली साइड की नहीं बात कर करके एडजेसेंट साइड की बात कर लूँ, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल, अगर एडजेसेंट साइड की बात कर लूँ तो एडजेसेंट वाला साइड आपका बेटा कहलाने लगेगा बेस। ये दो कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है, कि फ्रंट वाला साइड परपेंडिकुलर, एडजेसेंट वाला साइड बेस, या बगल वाला साइड बेस, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पे ट्रायंगल लिख रहा हूँ बाबू, और आपको क्या करना है कि उस ट्रायंगल के बारे में बताना है कि कौन बेस होगा और कौन परपेंडिकुलर होगा। एग्जैक्टली अगर ये 90 डिग्री है तो आपको ये तो पता है कि ये हाइपोटेनस होगा। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख दे रहा हूँ, इसका वर्टेक्स का नाम यहाँ पे ए बी सी रहा। अब आपको यहाँ पे बाबू बताना है कि मैं इस एंगल, एंगल सी की बात कर रहा हूँ, फॉर एंगल सी, एंगल सी के लिए तुम्हें बताना है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा साइड होगा और बेस कौन सा साइड होने वाला है। तो तुम कहने वाले हो कि सर परपेंडिकुलर तो फ्रंट वाला साइड होता है, तो सी के फ्रंट कौन सा है या अपोजिट कौन सा है, तो आप देखोगे कि ए बी, तो यहाँ पे कहोगे यस सर, यहाँ पे परपेंडिकुलर ए बी होने वाला है, ठीक है। सी के बगल में कौन सा है, एडजेसेंट साइड कौन सा है, ए सी, तो सर ए सी यहाँ पे बेस होने वाला है। तो देखो अब इस वाले केस में तो बेस यहाँ पे हो गया बेटा, नीचे हो गया, सॉरी परपेंडिकुलर नीचे हो गया और बेस यहाँ ऊपर हो गया। तो ये बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज होता रहता है, इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा एंगल नोटेशन के बारे में जान जाओ, यहाँ पे थीटा बीटा अल्फा कुछ ऐसा यूज़ हो रहा होगा, आप घबरा जाओगे उसको सुन करके, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो एंगल नोटेशन के बारे में समझ लो, एंगल नोटेशन होता क्या है। अगर मान लो कि कोई एक ट्रायंगल है बेटा, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, मैं इस एंगल की बात करूं तो ये 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, ये 30 40 50 60 1 2 3 कोई ना कोई डिग्री ज़रूर होगी। तो या तो आप लिखोगे 1 डिग्री, नहीं तो लिखोगे 2 डिग्री, नहीं तो लिखोगे 3 डिग्री, कोई ना कोई डिग्री लिख, नहीं तो आप लिखोगे कि एक्स डिग्री है, कुछ नहीं मानना है तो आप एक्स डिग्री मान लो। तो बेटा ये सारी चीज़ों को नहीं मान करके हम लोग क्या है ना कि अगर जनरली मानना पड़ता है, अज्यूम करना पड़ता है, तो हम लोग कहते हैं इसको थीटा है,
ठीक है, ये क्या है बेटा थीटा, थीटा के जगह पे 10 डिग्री हो सकता है, 20 डिग्री हो सकता है, 30, 40, 50, 60 कुछ भी हो सकता है, लेकिन एंगल का वैल्यू होगा। तो एंगल नोटेशन जो है वो आप इस तरीके से कर सकते हो कि एक तो होता है बेटा थीटा, ऐसे लिखते हैं इसको, लिखते हैं THETA थीटा, ठीक है। उसके बाद एक होता है इस तरीके से, इसको हम लोग लिखते हैं अल्फ़ा, ऐसे लिखा हुआ रहता है, इसको हम लोग कहते हैं अल्फ़ा, ठीक है। उसके बाद एक ऐसे रहता है, ऐसे कर कर के रहेगा, ये कंप्लीट बी नहीं लिखा होगा लेकिन बी के जैसा पता चलेगा, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं बीटा, बेटा नहीं पढ़ लेना भाई, यहाँ पे पढ़ोगे बीटा। तो थीटा, अल्फ़ा, बीटा, एक ऐसा भी होगा जिसको हम लोग कहते हैं गामा, ठीक है, गामा। एक आपको इस तरीके से जीरो दे करके उसको कट कर देगा, आप इसे कहोगे फाई, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल को, एक्स वाई जेड से ना रिप्रेजेंट करके, भाई थीटा, अल्फ़ा, बीटा, गामा, फाई से रिप्रेजेंट कर लो ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर एक बात समझना कि अगर मैं इसे थीटा दूँ और इसे मैं बेटा बीटा दे दूँ, तो अब मैं आपसे एक सवाल कर दिया कि फॉर थीटा, थीटा के लिए आपको बताना है कि परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा। मैं यहाँ पे इसके वर्टेक्स का डिनोशन कर देता हूँ, इसे मैं डिनोट करता हूँ ए बी, ये रहा वर्टेक्स सी। बेटा थीटा के लिए परपेंडिकुलर बताना है ना तुम्हें, तो थीटा के फ्रंट वाला साइड कौन सा है, ए सी, तो बेटा परपेंडिकुलर ए सी हो जाएगा। थीटा के लिए तुम्हें बेस बताना है, तो बगल वाला, थीटा के बगल में क्या है बेटा, तो ए बी, तो ये वाला साइड आपका ए बी हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली उसी तरीके से अगर मैं तुमसे ये सवाल करूँ कि फॉर बीटा, ठीक है, बीटा के लिए तुम्हें परपेंडिकुलर और बेस बताना है, तो बताओ बीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बीटा के लिए बेस क्या होगा। तो एग्जैक्टली आप बस ये सोचोगे कि परपेंडिकुलर फ्रंट वाला होता है, किसके फ्रंट वाला, तो बीटा के लिए, तो बीटा का फ्रंट वाला ए बी है, तो बेटा ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा। उसी तरीके से बेस हमें निकालना है बीटा का, तो इसके बगल कौन सा है, ए सी, तो आप यहाँ पर कह लोगे कि ए सी हमारा क्या हो गया, तो बीटा के लिए बेस हो गया। तो फाइनली तुम यहाँ से एक चीज़ ये समझ गए कि ये वाला कभी कभी बेस ना होकर के परपेंडिकुलर भी हो सकता है, और ये वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर हमेशा ना होकर के बेस हो सकता है। ये कब बदलेगा, किस किस लेवल पे हम लोग सोचेंगे कि कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर है, तो वो बस एक ही क्राइटेरिया है कि किस एंगल की बात कर रहे हो। जिस एंगल की बात करोगे मैं उसके हिसाब से आपको बता दूंगा कि कौन परपेंडिकुलर है और कौन हमारा बेस है। इतनी चीज़ आप समझ गए, तो चलो ये थी बेसिक। अब इसके बाद आपकी जो चैप्टर है वो यहाँ से बहुत अच्छे ढंग से अच्छे लेवल पर शुरुआत हो रहा है, एकदम अच्छे से आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जो सबसे पहला हेडिंग है बेटा जो आपको सीखना है इस चैप्टर में, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो समझोगे, लेकिन उससे पहले बेटा ये समझ लो कि ये रेशियोज होता है क्या है। अब तुम्हें रेशियोज पता ही नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री तो समझ रहे हो, जो अभी मैंने प्रीवियस अभी पूरा डिटेल में बताया कि क्या होगा ट्रिग्नोमेट्री, बट ये रेशियोज़ क्या होता है। तो कभी कभी आपने ऐसा सुना है कि 5:3, एग्जैक्टली बेटा यही रेशियो होता है। अच्छा, इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो आप 5/3 भी कह सकते हो। तो ये 5/3, ये जो फ्रैक्शन है वो एक्चुअली में रेशियो ही होता है। अगर किसी ने कह दिया 3/7, तो हाँ भाई ये रेशियो भी है, ये रेशियो में हम कन्वर्ट ऐसे कर सकते हैं। तो 3:7 लिखूँ तो, या 3/7 लिखो तो, ये दोनों का दोनों रेशियो है, ये भी रेशियो है और ये भी आप रेशियो, एक्चुअली में ये तो फ्रैक्शन है बट इसको एज अ रेशियो कंसीडर किया जा सकता है। तो आपने रेशियो समझ लिया कि रेशियो होता है क्या है। तो अब रेशियो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में समझना है, अब वो भी ट्रिग्नोमेट्री बोले तो राइट एंगल ट्रायंगल में समझना है। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में तुम फटाफट से इसको 90 डिग्री दे लोगे, तो 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड है ये हाइपोटेनस हो गया। हम मान लेते हैं इस एंगल की बात करते हैं, यहाँ पर जो ये एंगल है इसे हम थीटा एज्यूम कर लेते हैं कि इस एंगल की यहाँ पर चर्चा करेंगे, कोई भी बात होगी तो इस एंगल की बात होगी। तो इस एंगल के लिए ये फ्रंट वाला जो है वो परपेंडिकुलर हो
होगा और ये बगल वाला जो है ये बेटा बेस कहलाएगा। अब एक चीज़ देखना कि यहाँ पे साइड का रेशियो निकालना है, किस चीज़ का रेशियो, तो साइड का रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहने का मतलब हो गया कि राइट एंगल ट्रायंगल के साइड का रेशियोज़। तो अब तुम फटाफट यहाँ पर रेशियो बनाने चले, तो बाबू जब तुम रेशियो बनाने यहाँ पे चलोगे तो कितना मैक्सिमम रेशियोज बना सकते हो इन तीनों साइड का यूज करके, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस का यूज करके। तो तुम सबसे पहले कहोगे कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो ले लेते हैं, तो तुम कहोगे कि सर यहाँ पे हम P बाई H कर सकते हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का ये पहला रेशियो हो गया। दूसरा रेशियो तुम ये कह सकते हो कि सर बेस के साथ हाइपोटेनस का रेशियो ले लेते हैं, तो ये B बाई H हो गया बेटा। तीसरा तुम ये कह सकते हो कि सर परपेंडिकुलर का बेस के साथ लेते हैं, तो P बाई B कह सकते हो। एग्जैक्टली यहाँ पे तीन रेशियो आपने बना लिया, तो तुम कहोगे परपेंडिकुलर हाइट का रेशियो यानी कि P इज टू हैच कभी भी बराबर नहीं हो सकता एच इज टू पी के, यानी कि ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं, पी बाई एच और एच बाई पी दोनों अलग अलग है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो सर आपने यहाँ पे लिया है, हम ऐसे भी तो ले सकते हैं कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो। एग्जैक्टली उसी तरीके से आप क्या कह सकते हो कि बेस और हाइपोटेनस का आपने लिया है, अब हम हाइपोटेनस एंड बेस का रेशियो ले सकते हैं। उसी तरीके से बेस एंड परपेंडिकुलर का हमने रेशियो ले लिया। तो जी हाँ, इस तरीके से आप मैक्सिमम 6 रेशियोज ही बना सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा रेशियो नहीं है जो तुम इन तीनों साइड्स का यूज़ कर करके बना सकते हो। तो बेटा इन्हीं 6 रेशियोज को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। अब रही बात कि मैथमेटिशियन ने एक बार ये चर्चा करने बैठे कि ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, बेस हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस, इन सारी रेशियोज को कोई नाम दे दिया जाए, तो उन सभी के बीच में एक साथ सहमति ये हुई बेटा कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को एक स्पेशल नाम से बोला जाए जिसे बोलेंगे साइन। साइन बोले तो आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस के रेशियोज़ की बात की जा रही है, अच्छा ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस एंगल के बारे में बेटा, थीटा के बारे में, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि साइन थीटा, ठीक है। तो साइन एक्चुअली में साइन इज़ द रेशियो। साइन बोले तो आपको पी बाई एच समझना है और कुछ नहीं समझना है। अच्छा किसके लिए पी समझना है, तो थीटा के लिए समझना है, अगर यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है तो। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे बेस एंड हाइपोटेनस के रेशियोज़ का जो नाम रखा गया वो कोसाइन रखा गया, कोसाइन, ठीक है। तो अब थीटा की बात हो रही तो कोसाइन थीटा, परपेंडिकुलर बेस का नाम रख दिया गया टेंजेंट, टी ए एन जी ई एन टी, तो थीटा है तो टेंजेंट थीटा हो गया। ठीक उसी तरीके से हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर के रेशियो को कोसेकेंट नाम रखा गया, कोसेकेंट, कोसेकेंट थीटा। हाइपोटेनस और बेस के रेशियो को बेटा सेकेंट नाम रखा गया, सेकेंट थीटा, ठीक है। उसी तरीके से बेस एंड परपेंडिकुलर के रेशियोज़ को नाम रखा गया कोटेंजेंट, 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 ठीक है। तो ये जो कोटेंजेंट है ना बाबू, इसके आगे आपको थीटा लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये थीटा की बात की जा रही है, थीटा के लिए बेस और परपेंडिकुलर को यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो ओवरऑल यहाँ से तुम्हें बस इतना समझना है कि टोटल जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं बेटा, तो टोटल के टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे। कौन कौन से होंगे, तो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट, कोटेंजेंट, आपको इसको याद रखना पड़ता है। याद रखना मतलब कि ध्यान में रखना पड़ता है कि जो साइन है किसके रेशियो को साइन बोलेंगे, तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस के रेशियो को। कोसाइन किस रेशियो को बोलेंगे, तो बेस एंड हाइपोटेनस के रेशियो को, ठीक है। जो आपको ठीक वैसे ही याद रखना है जैसे कि कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका कुछ ना कुछ नाम रखा जाता है बेटा, और हम बार बार उसको उसी नाम से पुकारते हैं। तो उसी तरीके से परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस के रेशियो को हम लोग बार बार साइन बोलेंगे, ठीक है। अगर कोई साइन बोला तो आपको परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ही समझना है और कुछ नहीं समझना है। उसी तरीके से आप ऐसे याद रखोगे साइन पी बाई एच, कोसाइन बी बाई एच, टेंजेंट पी बाई बी,
कोसेकेंट एच बाई पी, सेकेंट एच बाई बी, को टेंजेंट बी बाई पी, ऐसे आपको याद रखना है। लेकिन एक बात पता है, हर एक जगह आप जब बनाना शुरू करोगे मैथमेटिक्स में, प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करोगे, तो देखोगे कि साइन, कोसाइन, टेंजेंट, को टेंजेंट, सेकेंट, को टेंजेंट बार बार यूज होता है। इतनी बार यूज होता है कि तुम उसको लिखते लिखते इतनी बड़ी अगर लिखी जाए तो परेशान हो जाओगे। तो इसीलिए उन लोगों ने क्या किया कि हर एक का थ्री लेटर पहले वाला सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे कि साइन को शॉर्ट में उन्होंने ये साइन बोलना शुरू किया, कोसाइन को उसने कॉस बोलना शुरू किया, टेंजेंट को टैन लिखना शुरू किया, कोसेकेंट को, देखो यहाँ पे केवल थ्री लेटर लिखोगे तो कॉस हो जाएगा, कॉस तो ऑलरेडी लिया हुआ है, तो इसमें दो और लेटर बढ़ा दिया गया, कॉसेक कर लिया गया, सेकेंट में सेक लिया गया, कोटेंजेंट में कॉट लिया गया। बेटा तो अब आप इन सबको शॉर्ट में कैसे याद रखोगे, तो एग्जैक्टली यहाँ पे देख लो, आप साइन को लिखोगे साइन थीटा जो होता है पी बाई एच, ठीक है। कोसाइन को लिखोगे कॉस थीटा बी बाई एच, ठीक है। टेंजेंट को लिखोगे बेटा टेन थीटा जो होगा पी बाई बी, ठीक है। तो साइन कॉस टेन हो गया। उसके बाद कोसेकेंट को आप लिखोगे कॉसिक थीटा, कॉसिक थीटा जो होगा एच बाई पी, एग्जैक्टली इसी का उल्टा, ठीक है। तो कॉस का यहाँ पे उल्टा क्या हो जाएगा, तो b बाई एच है, तो बेटा यहाँ पे आपको लिखना है h बाई बी, एग्जैक्टली। तो हम लोग सेकेंड को sec थीटा कहते हैं, तो sec थीटा हो जाएगा h बाई बी, ठीक। उसी तरीके से p बाई बी का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, b बाई पी हो जाएगा, तो ये tan का उल्टा होगा cot थीटा, यानी cotangent को शॉर्ट में cot लिखेंगे। तो अब आप ऐसे याद रखोगे sin p बाई एच, cos b बाई एच, टेन पी बाई बी, बस केवल ये तीन को तुम याद करो ना, फिर आप दिमाग में फिगर बनाओगे कि पी बाई एच का उल्टा एच बाई पी, बी बाई एच का उल्टा एच बाई बी, पी बाई बी का उल्टा बी बाई पी, एग्जैक्टली। आप ये ध्यान में ज़रूर रखना बेटा कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट, यानी साइन कॉसेक, साइन कॉसेक, ऐसे आप याद कर लोगे, कॉस सेक, उसी तरीके से टेन कॉट, जब ऐसे याद रखोगे तो केवल ये तीन याद रखना, और इस तीन में आप क्या कर देना, पलट देना, तो आपकी बात बन जाएगी। तो अब यहाँ से कुछ रिलेशंस को बाबू पढ़ना है। अब वो जो रिलेशन है, सबसे पहला रिलेशन है बेटा जो तुम्हें जानना पड़ेगा, वो है रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन। अब ये रेसिप्रोकल रिलेशन होता क्या है, तो समझिए बात को। अब कहीं पे अगरचे लिखा हुआ है साइन थीटा, तो साइन थीटा को ऐसे करके लिखा जाता है वन बाई कॉसिक थीटा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अच्छा, कहीं पे अगर लिखा हुआ है कॉस थीटा, तो इसको आप लिख सकते हो वन बाई कॉस, है ना, तो वन बाई, देखो कॉस के लिए सेक हो जाएगा, वन बाई सेक थीटा। अगर कहीं पे लिखा हुआ है टेन थीटा, तो टेन को आप लिख सकते हो वन बाई कॉट थीटा। बेटा रेसिप्रोकल तो यही होता है ना, कि उसको मल्टीप्लाई करने पे वन आ जाए, ठीक है, तो वो उसका रेसिप्रोकल होता है। तो आप देखना इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी वन आता है। तो ये जो रेसिप्रोकल फॉर्मूला है, ये आपको साइन कॉस टेन के लिए हो गया, उसी तरीके से आप कॉसिक के लिए भी लिख सकते हो, कॉसिक थीटा बराबर वन बाई साइन थीटा, एग्जैक्टली। यहाँ पे ध्यान दो, इसका रेसिप्रोकल ये है और इसका रेसिप्रोकल ये होगा बेटा। अब यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कॉसेक थीटा हो गया, तो हम सेक थीटा के जगह पे लिख सकते हैं वन बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा के जगह पे लिखा जा सकता है वन बाई टेन थीटा, एग्जैक्टली। आपने रेसिप्रोकल फार्मूला को समझ गए, रेसिप्रोकल रिलेशंस को समझ लिए कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, कॉस का सेक है, टेन का कॉट है, और साइन के इक्वल हम लोग वन बाई कॉसेक लिख सकते हैं, कॉस के इक्वल हम लोग वन बाई सेक लिख सकते हैं, टेन के इक्वल हम लोग वन बाई कॉट लिख सकते हैं। उसी तरीके से कॉसेक के बराबर वन बाई साइन, सेक के बराबर वन बाई कॉस, कॉट के बराबर वन बाई टेन लिखा जा सकता है। अगर तुम्हें वेरिफिकेशन चाहिए कि आखिर ये फॉर्मूला हो कैसे रहे हैं, तो देखो बेटा वेरिफिकेशन मैं आपके साथ दे देता हूँ, इसका वेरिफिकेशन समझ लो भाई। कहने का मतलब है कि मैं कोई एक उठा लेता हूँ, यहाँ पर से मैंने कॉपी ही कर लिया बेटा, इसको मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया, साइन इज इक्वल्स टू वन बाई कॉसेक थीटा।
हमने इसको कॉपी कर लिया, इधर चल करके हम लोग उसको पेस्ट भी कर लेते हैं। तो चलो भाई अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हमने ये कहा कि इधर ये LHS है, ये RHS है, तो बेटा यहाँ से आप RHS ले लो। RHS लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/cosec थीटा, ठीक है। तो 1/cosec थीटा आ गया, तो 1/cosec थीटा के जगह पे आप ऐसे करके लिख सकते हो, 1/cosec के जगह आपने क्या पढ़ा है बेटा, cosec के जगह आपने पढ़ा है h/p, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, h/p लिख लोगे, h/p एग्जैक्टली। आप आगे बढ़ोगे तो 1/ ये रेसिप्रोकल है तो बेटा हो जाएगा p/h एग्जैक्टली। आप p/h को क्या कहते हो, तो ध्यान दो p/h का मीनिंग होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये साइन थीटा के बराबर आ गया, इज इक्वल्स टू RHS, यानी कि 1/cosec थीटा को हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं। उसी तरीके से आप चाहो तो जिसको भी उसको वेरीफाई कर सकते हो एग्जैक्टली। अब हम लोग यहाँ पे दूसरे रिलेशन को पढ़ते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन के बाद बेटा अब प्रोडक्ट रिलेशन पढ़ो। ये प्रोडक्ट रिलेशन होता क्या है, तो समझो प्रोडक्ट रिलेशन, ठीक है। तो प्रोडक्ट रिलेशन में आपको ये समझना है, थोड़ा सा ध्यान दो कि साइन थीटा 1/cosec थीटा के इक्वल हो रहा है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन इंटू कॉसिक 1 आ जाएगा। तो एग्जैक्टली यही है प्रोडक्ट रिलेशन, साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा इज इक्वल्स टू 1, साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा इज इक्वल्स टू 1 आएगा बेटा। अब ठीक उसी तरीके से यहाँ पे कॉसिक थीटा इंटू सेक थीटा 1 आने को है, कॉसिक थीटा इंटू सेक थीटा ये 1 आएगा। ठीक उसी तरीके से एक और रिलेशन बनेगा, टैन इंटू कॉट, ये क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा ये कितना वैल्यू आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हो गया प्रोडक्ट रिलेशन, यानी कि रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करोगे, यानी साइन को कॉसेक तो 1, कॉसेक को सेक से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, टैन को से कॉट से मल्टीप्लाई करोगे तो 1। ये प्रोडक्ट रिलेशन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर तुम इसकी भी वेरीफिकेशन चाहते हो तो लो बेटा वेरीफिकेशन इसका ऐसे कर सकते हो, कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। आप सब में रेशियो की वैल्यू को पुट कर दो। मान लो कि हमने ये ले लिया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 के बराबर सर ने प्रूफ किया है, तो यहाँ से बेटा LHS को आप उठा लो, तो LHS उठाओगे तो क्या लिखोगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा लिखना पड़ेगा एग्जैक्टली। साइन थीटा के जगह आपने पीछे याद कर रखा है p/h, यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब कि इंटू होगा, कॉसेक थीटा के जगह क्या बोलोगे बेटा, h/p बोलोगे। अब एग्जैक्टली h से h कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे फाइनली रिजल्ट 1 आ गया, जो किसके बराबर है बेटा, RHS के बराबर है। तो तुम्हें एक चीज़ समझ में आ गया कि अगर हम किसी को रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 देने को है, ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट रिलेशन पढ़ लिया, प्रोडक्ट रिलेशन के बाद में आपको एक और रिलेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना है, वो है बेटा क्वोशिएंट रिलेशन, क्वोशिएंट रिलेशन। अब ये क्वोशिएंट रिलेशन क्या होता है, तो क्वोशिएंट रिलेशन के बारे में समझिए। क्वोशिएंट रिलेशन में बेटा दो ही फार्मूला पढ़ना है, एक तो तुम्हें पढ़ना है कि टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये आपका क्वोशिएंट रिलेशन होगा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये एक हो गया। दूसरा आपको जो है, टेन का उल्टा क्या होता है बेटा, कॉट थीटा, तो इसका भी पलट दो, इसका भी उल्टा कर दो, तो कॉस थीटा अबाई में साइन थीटा हो जाएगा। ये दो रिलेशंस आपको पढ़ना है, ये क्वोशिएंट रिलेशन में होगा, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई अगर करना है तो चलो मैं वेरीफाई कर करके दिखा सकता हूँ। वेरीफिकेशन में आपको बस वैल्यू रख देना पड़ता है उसके रेशियोज़ का, आप उसको वेरीफाई कर पाते हो। जैसे कि पहला हम ले लेते हैं, पहला में क्या है बेटा कि टेन थीटा इक्वल होगा किसके, तो साइन थीटा बाई में कॉस थीटा के, ठीक है। आप यहाँ से क्या करो कि RHS को उठा लो, आप RHS LHS कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ से आसानी है RHS से बताने में। तो हमने ले लिया कि साइन थीटा अबाई में कॉस थीटा, एग्जैक्टली साइन थीटा के जगह पे आपने पढ़ रखा है p/h और कॉस थीटा के जगह पे आपने पढ़ रखा है b/h। अब देखो बाबू, ये p/h और b/h में आपको कैंसिल करना है,
और किसे कैंसिल करना है, तो यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ पे न्यूमरेटर पी है ना, एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा और डार्क ले लेता हूँ, चलो यहाँ पे डिनोमिनेटर में एच है, डिनोमिनेटर में एच है, एच से एच कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बेटा, जो बचा उसको लिख लो। आप देखना कि न्यूमरेटर में केवल और केवल पी बचा है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में बेटा बी बचा है, तो पी बाई बी आप जानते हो क्या होता है, तो टेन थीटा होता है, जो आपके एल एच एस के बराबर हो गया। देखो यहाँ पे एल एच एस है, तो एग्जैक्टली आपने देख लिया कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा एल एच एस यानी आर टेन थीटा के बराबर आ रहे हैं। आप दोनों तरह से याद रखना बेटा, टेन थीटा को कभी कभी आपको साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखना पड़ेगा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा को कभी कभी टेन थीटा लिखना पड़ेगा, तो दोनों तरह से याद रख लोगे, इधर से इधर भी याद रखोगे और इधर से इधर भी याद रखो। किसी ने कह दिया कॉस बाई साइन क्या होता है, तो तुम कहोगे कॉट होता है, एग्जैक्टली। तो मैंने प्रोडक्ट रिलेशन बताया, प्रोडक्ट रिलेशन के बाद हमने आपको उससे पहले मैंने आपको बताया रेसिप्रोकल रिलेशन, तो रेसिप्रोकल रिलेशन, प्रोडक्ट रिलेशन, क्वोशेंट रिलेशन, ये सारी चीज़ समझ गए। तो एक छोटी सी चीज़ समझ लो, छोटी सी चीज़ आपको पावर के बारे में समझना है कि पावर ऑफ टी रेशियोज़, टी रेशियोज़ की पावर बहुत ज़्यादा यूजेस होती हैं, बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए इसको समझना ज़रूरी है। पावर ऑफ टी रेशियोज़ कहने का मतलब ये हो गया कि किसी ने अगर से ऐसे लिखा कि साइन थीटा एक रेशियो है, किसका, थीटा का साइन है, यानी कि थीटा के लिए पी बाई एच है, अगर किसी ने इसका स्क्वायर कर दिया, तो आपको क्या समझना है कि अच्छा ये रेशियो का स्क्वायर है, यानी आप करोगे साइन स्क्वायर थीटा, न कि आप ऐसे कर देना कि साइन थीटा का स्क्वायर, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल का स्क्वायर नहीं है बेटा, ये पूरे के पूरे रेशियो का स्क्वायर है। साइन एक रेशियो है, साइन एंगल नहीं है, साइन एक रेशियो है और रेशियो का स्क्वायर है। तो यहाँ भी हमने कर लिया, अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ होता कि टेन थीटा का क्यूब, तो तुम क्या लिखते, तुम ऐसे लिखते टेन क्यूब थीटा, एग्जैक्टली। तो एक बात आपने ये समझ लिया कि अगरचे इस तरीके से पावर होंगी तो हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट ये समझो, और वो क्या समझना है तुम्हें कि कहीं पे इस तरीके से लिखी हुई है कि साइन टू थीटा, तो बेटा अगरचे आपने ऐसे लिख दिया टू साइन थीटा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता। कैसे नहीं बराबर होगा, यहाँ देखो थीटा का टू टाइम्स है, ये थीटा का दुगुना है, और ये जो है वो टू टाइम्स ऑफ साइन यानी रेशियो का दुगुना है, तो रेशियो का दुगुना और थीटा का दुगुना होना बोथ आर डिफरेंट। बेटा यहाँ पे ये समझो कि ये थीटा का टू टाइम्स है, और ये क्या है बेटा, तो ये पूरा का पूरा जो रेशियो है ना, इस रेशियो का टू टाइम्स है, तो बोथ आर डिफरेंट, दोनों को एक साथ नहीं लिखा जा सकता है। तो हमारे इस लेक्चर में बेटा आज जो हमने पढ़ाया उसमें आपको पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बेसिक मैंने दिया, बेसिक देने के बाद आपको टी रेशियो समझाया, टी रेशियोज़ के बाद रेसिप्रोकल रिलेशन समझाया, रेसिप्रोकल रिलेशन के बाद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बाद क्वोशेंट रिलेशन समझाया, इसके बाद मैंने पावर ऑफ टी रेशियोज़। अब आगे आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन समझना है, उसको बोलते हैं स्क्वायर रिलेशन, उसके बाद आप जो है वो एनसीईआरटी की फर्स्ट वाली एक्सरसाइज को बनाने के लिए एबल हो जाओगे। तो आज के क्लास में यहीं तक, आप इसे पढ़ करके पूरे के पूरे कंप्लीट नोट्स बना लेना, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको स्क्वायर रिलेशन को समझाते हुए बहुत सारे मल्टीपल ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊँगा, और उसको प्रैक्टिस कराने के बाद मैं आपको एक्सरसाइज बनाने के लिए कहूँगा, और इवन उसके बाद मैं उस एक्सरसाइज की सॉल्यूशन भी लेकर के आऊंगा। तो बेटा आज की क्लास यहीं तक, फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।